नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ माई आई टी आई ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस तरह से वाटर ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। यदि आपका पानी जो है गंदा है तो सबसे पहले हम रॉ वाटर जो हमारे पास टैंक रहता है, उसके बाद सेंटिमेंटेशन टैंक रहता है, उसके बाद फिल्टर पानी को किया जाता है। और फिल्टर करने के बाद जो है आपका पानी, ये हमारे पास यहाँ पर एक रॉ वाटर टैंक है जिसमें कि जो है पानी खड्ड या नाले से आता है। और ये जो है टैंक रॉ वाटर मटेरियल, इसमें जो है इकट्ठा, यदि इस तरह का कोई पानी आपके पास गंदा पानी है तो इसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है। पहले इसको रॉ वाटर टैंक के अंदर डाला जाता है, उसके बाद सेंटिमेंटेशन टैंक में आता है, उसके बाद फिल्टर बेड में जाता है, और उसके बाद जो है हमारा क्लियर वाटर टैंक के अंदर जो है पानी फिल्टर होके जाता है। तो इस तरह का ये एक थोड़ा सा प्रोसेस रहता है जो कि वाटर ट्रीटमेंट जो है की जाती है। यदि आप सिंचाई इस तरह के खेतों में करना चाहते हैं तो इसी पानी से कर सकते हैं, गंदे पानी से कर सकते हैं। इस तरह का पानी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके साग सब्जी सही से चल सके। ये हमारे पास मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो कि कमर्शियल यूज़ में, आप इसका यूज़ थ्री फेज में